लवर्स हैं, उनके जहन में एक बड़ा अजीब सा कश्मकश तो चल ही रहा है, क्योंकि लगातार डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट। एक सिंपल रीजन, ड्यू टू सर कोरोना। मेरे को समझ नहीं आता देश में केवल इंडियन आर्मी के अंदर ही कोरोना चल रहा है, नेवी और एयरफोर्स के अंदर ही चल रहा है, कि कहीं और भी कोरोना चल रहा है। तो वर्ल्ड वाइड कोरोना खत्म हो रहा है, बट अभी स्पेशली कुछ एंट्रीज के लिए कोरोना नहीं खत्म हो रहा है। बट मैं आज इस इंफॉर्मेशन को लेकर आया हूं कि करंट हालात क्या, इंडियन आर्मी की पोस्टपोन की स्थिति आप समझें। फर्स्ट एग्जाम डेट इन्होंने इशू किया 25 जुलाई 2021, फिर पोस्टपोन हुआ। सेकंड एग्जाम डेट आई 31 अक्टूबर जो है वो भी पोस्टपोन हुई। थर्ड डेट आ गई 28 नवंबर, और फोर्थ के लिए एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आ चुकी है कि ये अब जल्द से जल्द कराया जाएगा, क्योंकि कोरोना वजह से अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। बहरहाल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कंडक्ट ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE 28 नवंबर 2021 फॉर सोल्जर GD, सोल्जर टेक, सोल्जर ट्रेड्समैन, सोल्जर जो है नर्सिंग, जिसमें दोनों कैटेगरी हैं, बैटनरी भी है और नर्सिंग भी है। साथ ही क्लर्क और स्टोर कीपर हैज बीन कैंसिल्ड ड्यू टू COVID-19 सिचुएशन, फर्स्ट डेट विल बी इंटीमेटेड लेटर, तो आपको बाद में बताई जाएगी, ऐसा इंडियन आर्मी ने कहा। ऐसा ही काफी लोग कह रहे हैं कि सब कुछ क्या बताया जाएगा, आपको बाद में बताया जाएगा। बट मैं कहना चाहता हूं कि टाइम थोड़ा टफ तो है यार, देयर इज नो क्वेश्चन मार्क फॉर दैट, बट कहते हैं कि इस टफ टाइम में खड़े रहना ही आपकी कैपेबिलिटी है, आपका पोटेंशियल है और आपकी पर्सनैलिटी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करिए कि मौका तो मिलेगा, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हाँ, हो सकता है कि दिसंबर डेट जाए, हो सकता है कि ये डेट जनवरी भी चली जाए, दैट मीन 2021 का सपना 2022 में शिफ्ट हो जाए, दैट मीन जनवरी मंथ में हो जाए। बट अहम यही है बेटा कि गेट रेडी फॉर द प्रिपरेशन, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आर्मी के बच्चे लगातार पूछ रहे थे, जितने भी आर्मी की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, ऑब्वियसली 10th लेवल पे बच्चे GD और ट्रेड्समैन जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, 10+2 लेवल पे जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं टेक्निकल के लिए और नर्सिंग बैटनरी कॉप्स के लिए और साथ ही साथ सोल्जर क्लर्क या स्टोर कीपर कैटेगरी के लिए प्रिपेयर करते हैं। और मुझे लगता है कि बेहतर मौका होता है, क्योंकि जितने भी आर्मी को प्यार करने वाले बच्चे, उनमें एक अलग पैशन होता है कि हाँ, काश मुझे आर्मी में एज ए टेक्निकल, एज ए सोल्जर क्लर्क, एज ए जो है नर्सिंग असिस्टेंट या एज ए GD मुझे काम करने का मौका मिले। तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिविटी, एक अलग लेवल की एनर्जी आती है जब इस तरह का मौका मिलता है, बट वो मौका कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा टलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टेज बड़े क्लियर है, कहीं ना कहीं प्रोसेस में यही है कि पहला फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका होता है, फिर मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE के लिए आपको बुलाया जाता है। और यही क्राइटेरिया हमेशा रहा है, जिसमें 10th पास क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है और 12th पास भी स्टैंडर्ड आपसे मांगा गया है। तो फिजिकल एग्जाम है, मेडिकल एग्जामिनेशन है जो कि बेसिक मेडिकल होता है, वहीं पे फिजिकल सेंटर पे ही हो जाता है, और फिर आप फाइनली जो है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE के लिए जाते हैं। और इसमें अहम यही हो जाता है बच्चों के लिए जो कैटेगराइज सबसे ज्यादा किया गया है कहीं ना कहीं, तो अहम यही हो जाता है बेटा कि हर स्टैंडर्ड अच्छा है, फिजिकल का एक अच्छा स्टैंडर्ड है, मेडिकल भी एक सही स्टैंडर्ड पे है, और रिटन एग्जाम भी एक अच्छे स्टैंडर्ड पे होता है, बड़े बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑब्वियसली आपको हर स्टेज के लिए तैयार रहना है, और हर स्टेज की तैयारी की बात आती है तो देश में एक इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको हर स्टेज पर बेहतर बनाता है। और मैं इस बात को इसलिए स्ट्रांगली कह रहा हूँ बेटा, क्योंकि घर पर बैठने से कहीं ना कहीं और डिमोटिवेशन हमारे अंदर आता है, हमें उठ खड़ा होना है, हमें उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना है जहां तैयारी करते हुए एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर व्याप्त रहे, हम अपने फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी खुद को बेहतर कर पाएं, जहां मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में पूरी फिजिकल एक्सपर्ट टीम आपको अप टू द मार्क बनाएं, क्योंकि आर्मी का फिजिकल एक स्टैंडर्ड है, और लाजमी सी बात है कि स्टैंडर्ड को आपको मीटअप करना पड़ता है। 1.6 किलोमीटर का जो हमारे सामने रन है कहीं ना कहीं उसके समय काफी कम होता है, 5 मिनट 30 सेकंड का टाइम होता है, तो टाइम प्रेशर भी क्रिएट होता है कहीं ना कहीं, तो उस तरह से फिजिकल एफिशिएंसी आपकी अच्छी करनी जरूरी है। मेडिकल को भी लेकर बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर है जिससे एसोसिएट होकर आप हर मेडिकल के डाउट कंफ्यूजन खत्म कर लेते हैं अपने और बिल्कुल सिक्योर हो जाते हैं। और फाइनली कॉमन एंट्रेंस एग्जाम एक जबरदस्त प्रिपरेशन, जबरदस्त गाइडेंस की जरूरत होती है, और क्योंकि पेपर का भी स्टैंडर्ड है अगर हम देख लें टेक्निकल लेवल पे, क्लर्क लेवल पे, नर्सिंग लेवल पे, तो इसका इतना हल्के में आप नहीं आंक सकते हैं। वाकई में अगर आपका सपना है कि आप चाहते हैं इंडियन आर्मी का हिस्सा बनना, तो रिटन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको तैयार रहना है, क्योंकि आपको अच्छे ढंग से पता है कि जिस दिन आप फिजिकल क्वालिफाई करेंगे उसके बाद मात्र आपको 45 दिन का टाइम मिलेगा ओवरऑल, और 2 महीने अराउंड ही मिलते हैं आपको। तो लाजमी सी बात है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको उड़ा दिया, बहुत जरूरी कि एक सिस्टमैटिक आपके अर्थमेटिक रीजनिंग, आपके इंग्लिश और GK हर सब्जेक्ट पे काम हो, जहां बेहतरीन टीचिंग क्लासरूम की, बेहतरीन डाउट काउंटर फैसिलिटी, कितना भी कमजोर हो बच्चा, एक एक बच्चे को इंडिविजुअल बैठा के MKC डाउट काउंटर पे एक्स्ट्रा क्लासेस में आपको बताता है, जिससे हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। कितने भी कमजोर आप हो, हम आपको बेहतर बनाएंगे, बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कुछ बेहतर करने का। और साथ ही साथ ऐड कर देना चाहता हूं कि बेहतरीन किताबें इंडिया में जो कि MKC पब्लिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, बेहतरीन स्टेडियम जहां हम फिजिकल दे दे रहे हैं, तो एक अप टू द मार्क ट्रेनिंग सिस्टम है एक अच्छे टीचर के माध्यम से, जो आपको एक संपूर्ण पैकेज एक प्लेटफॉर्म पे देता है और बहुत ही सस्ते कॉस्ट पे देता है। तो ऑनलाइन वाले ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन वाले ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, और बुक से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो हर प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अपने आप को बेहतर बनाइए बेटा, और बिल्कुल ये बात सच
सच है कि मैं इधर आके डेट पोस्टपोन बता रहा हूँ, इवन आपको जानकारी हो भी गई होगी, बट मैं ये कहना चाहता हूँ मेरा आने का उद्देश्य केवल डेट पोस्टपोन नहीं बताना था, मेरा उद्देश्य ये था कि आप बैठिए मत, अगर आप बैठेंगे तो डिमोटिवेट होंगे, आप उठ खड़े होइए, इस सिचुएशन से लड़िए, फेस करिए और फाइनली जीत स्थापित करिए, क्योंकि जिस दिन एक भी मौका आपको मिला आप अपनी सफलता को शत प्रतिशत सुनिश्चित कर पाएंगे। और उसी आस्था के साथ हम आगे बढ़ते हैं और फटाफट आप सबका स्वागत है एमकेसी के क्लासरूम प्रोग्राम में, जहां हम जबरदस्त बैच स्टार्ट कर रहे हैं आर्मी, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क और नर्सिंग के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, अपनी तैयारी को अप टू द मार्क बनाएं और आने वाले दिसंबर में आपका एग्जाम हो या जनवरी में हो, आप अपनी सफलता को शत प्रतिशत सुनिश्चित कर सकें। तो चाहते हैं कि इतनी मेहनत करके आपने इतना कुछ किया है, तो थोड़ी सी मेहनत एमकेसी के साथ और अपनी सफलता को शत प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।